अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। चलिए आप हमारे साथ लंच कीजिए, बिरयानी है, सेवैया बनाइए। मैंने और मिलती हूँ मैं आपको शाम को। दुआ करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से आप अपने घरों में ईद मना रहे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अच्छे से सब ईद मनाएं। आइए गाइस, आप लोग भी मेरे साथ मटन बिरयानी खाइए। तो गाइस, आज मम्मी ने बनाई है मटन बिरयानी स्पेशल ईद के लिए, और ये बनाई है बहुत ही मज़ेदार सेवैयाँ। पहले हम खाना खाएंगे, फिर हम उसके बाद कुछ मीठा ट्राई करेंगे। गाइस, हम मिलते हैं आपसे शाम को कुछ मैं अलग सा कुछ बनाती हूँ, वो आपको शाम को दिखाऊंगी क्या बनाया मैंने। ठीक है, ईद की शाम अब हम बनाते हैं चिकन फ्राई एंड मटन भुना। तो अभी मैं बताती हूँ आपको चिकन फ्राई की रेसिपी। तो बढ़ते हैं गाइस रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं चिकन फ्राई, एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे मटन भुना। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा चिकन फ्राई के लिए? तो फ्राई के लिए आपको 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और ये फ्रूट कलर है थोड़ा सा, और चिकन है ये हमारा आधा केजी से ऊपर। ये है बेसन और कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा हमने लिया है, बाकी इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, और ये है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, 1 बड़े चम्मच आप ले लेंगे, और ये नींबू का रस, जो कि मैंने 1 नींबू का रस पूरा निकाल लिया है। ये मैरिनेट 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रख देते हैं, फिर उसके बाद आपको फ्राई करके बताएंगे। ये सारे ड्राई मसाले, लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से खूब मिक्स कर लीजिए आप लोग। 1 एग मिक्स करेंगे गाइस इसमें, इससे क्या होता है हमारा बहुत क्रिस्पी टेस्ट हो जाता है। बाकी जो हमने बेसन और कॉर्नफ्लावर लिया था वो इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी सारे मेथड से हम चिकन फ्राई बना सकते हैं, बट ये भी एक इजी मेथड है, तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको, बहुत टेस्टी बनेगा गाइस। ये हमारे बकरीद की स्पेशल रेसिपी है। अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए हम रख देंगे 1 to 2 आवर के लिए, बाकी तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको 1 to 2 आवर के लिए रख देंगे फ्रिज में। कुछ सामान लेना था, हमने सोचा था कि बकरीद पे ही हम लेंगे, तो मुझे नोज रिंग लेनी है, मम्मी को कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम निकल गए हैं आर्य समाज की तरफ। एक मार्केट है यहाँ हमारे नियर ही आर्य समाज, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। तो क्या लेना है मम्मी आपको? पायल लूँगी, मेरे पायल लेंगे, मम्मी को अपनी पायल खरीदनी है। तो हम ले रहे हैं गाइस कुछ घर के लिए सामान। ये क्यूट क्यूट मुझे बहुत पसंद आए गाइस, छोटे छोटे। मम्मी को हर साइज के बॉक्स चाहिए होते तो हम ये छोटे छोटे बॉक्स परचेज कर रहे हैं गाइस, बहुत ही अच्छे हैं। मामा शॉपिंग हो गई है डन, और हम पी रहे हैं जूस, मम्मी कर रही है जूस एंजॉय। अब हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं चिकन फ्राई। तो गाइस मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है चिकन को फ्राई करने के लिए, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका था, ये देख सकते हैं आप लोग, इसका मैरिनेशन बहुत ही जूसी दिख रहा है। अब इसे फ्राई कर रहे हैं, ऐसे आपको डीप फ्राई करना है, नॉन स्टिक कढ़ाई में करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा, और आपको फ्लेम रखना है मीडियम लो। ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से क्रिस्पी, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
देखिए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे इसको। और यहाँ मम्मी ने रेडी किया है गार्निश के लिए ये लेमन एंड कोरिएंडर, और ये चटनी सर्व, ये हम खाएंगे चटनी चिकन फ्राई के साथ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है दही के और हरा धनिया की, बहुत ही टेस्टी होगी। इसे फ्राई कर लीजिए। अच्छे से देखिए हो गया फ्राई। देखिए हमारा चिकन फ्राई हो गया रेडी। इस तरह से आपको कुक करना है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए अब हमारा जो बाकी रह गया था वो भी हम फ्राई कर लेंगे। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि कितना क्रिस्पी बना है चिकन, देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है और बहुत जूसी भी है। फ्राई चिकन रेडी, अब हम इसे खाएंगे गाइस। तो ये थी हमारी छोटी सी व्लॉग ईद की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये व्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में अपनी मम्मी के साथ, एक नई रेसिपी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।